नमस्ते, हूँ आदर्श हूँ। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर यूनिट 9 पोयम क्लाउड्स। वेलकम बैक इन दिस पोयम। ऑन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोयम। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर डूइंग न्यू वर्ड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 98। आर यू रेडी विथ योर टेक्स्ट बुक? सो नाउ लेट्स स्टार्ट new words in this unit. Okay, first of all please look at the board. Then I have prepared new words. You can see here the same new words are there in your textbook. You can read from your textbook also, right? Okay, the first word is b-r-i-n-g, bring. b-r-i-n-g, bring. What is the meaning of bring? Bring yani ki kuch lana, राइट? आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको कह रही हूँ, जैसे कि आपके पापा है वो बाहर से कुछ आपके लिए लाते हैं, तो आप कहते हो माय फादर ब्रिंग्स चॉकलेट्स फॉर मी। यस, ऐसे ही हमने इस पोयम में क्या रीड किया था? यस, हु ब्रिंग्स रेन? क्लाउड्स। यस, क्लाउड्स ब्रिंग रेन। क्लाउड्स है वो हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और हमारी अर्थ में क्या लेके आता है? यस, रेन लेके आता है। इट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिंग? ब्रिंग यानी कुछ लाना। द नेक्स्ट वर्ड इज सी एल ओ यू डी, क्लाउड। ओके, दिस इज द वेरी इजी वर्ड, राइट? क्लाउड तो आपने देखे होंगे, राइट? स्काई में आपने देखे ना क्लाउड्स। यस, ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज कूल, सी ओ सी डबल ओ एल, कूल। कूल यानी बहुत ठंडा, आप कहते हो ना ठंडा ठंडा, कूल कूल, हाँ बहुत ही ठंडा, यानी कि बहुत ठंड लगती है। और अपने पोयम में भी रीड किया था, कूल एटमॉस्फेयर कब हो जाता है? जब रेन आती है तब पूरा कूल कूल हो जाता है। यस, ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज डी ए एन सी ई, डांस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डांस? मुझे तो नहीं पता है, क्या आपको पता है? अच्छा, डांस तो सबको आता है। डांस यानी कि जब आप खुश होते हो और बहुत ही हैप्पी हैप्पी होते हो तो क्या करते हो? ऑटोमेटिक डांसिंग आ जाती है ना। यस, तो डांस का मतलब क्या होता है? यस, डांस का मतलब नाचना, डांस करना। ओके, तो आपने पोयम में भी देखा था जो छोटे छोटे चिल्ड्रंस थे, लिटिल चिल्ड्रंस थे, तो वो आपने देखा ना पिक्चर में, तो कैसे कि रेन आ जाती है तो वो डांस करने लगते हैं। यस, द नेक्स्ट वर्ड इज हॉट, एच ओ टी, हॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉट? यानी बहुत ही गर्म, वेरी हॉट। यस, वेरी हॉट सनी डेज। समर डेज कैसे होते हैं? बहुत ही हॉट हॉट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी आपको मॉर्निंग को कैसा मिल्क देती है? वेरी हॉट हॉट मिल्क, राइट? ओके, तो आपने देखा होगा विंटर सीजन में आपको हॉट हॉट ड्रिंक्स आपको देते होंगे, राइट? गरम गरम दूध देते होंगे। लेकिन समर सीजन में कोल्ड कोल्ड, यानी कि बहुत ही ठंडी ठंडी आपको आइसक्रीम्स खिलाते होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क शेक। यस, देखा? तो हॉट का मतलब होता है बहुत ही गरम, हॉट गरम। यस, द नेक्स्ट वर्ड इज आर ए आई एन, रेन। रेन, अरे वाह, रेनिंग। देखो यहाँ पे भी रेनिंग हो रही है। हाँ, तो रेन यानी कि बारिश। पानी ऊपर से आता है, क्लाउड्स में से पानी आता है ना, हाँ, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेन। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल रीड दिस न्यू वर्ड्स वेरी फास्ट फास्ट। ओके, रिपीट आफ्टर मी, ब्रिंग, क्लाउड, कूल, डांस, हॉट एंड रेन। नाउ वी हैड कंप्लीटेड अवर न्यू वर्ड्स, सो आफ्टर कंप्लीटिंग न्यू वर्ड्स वी विल स्टार्ट अवर लेट्स रीड। ओके, तो अब आपने न्यू वर्ड्स रीड कर लिए हैं, तो लेट्स रीड तो बहुत ही इजी हो जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू वर्ड्स। मैंने यहाँ पे टू सेंटेंसेस आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं,
एक्स्ट्रा लिखे हैं जो आपको रीड करना है. ओके, तो सेम थे, मैंने यहाँ पे न्यू वर्ड्स को लिया है और यहाँ पे न्यू सेंटेंसेस बनाए हैं. चलो आपको मुझे बताना है कि मैंने कौन से न्यू वर्ड्स यूज किए हैं. ओके, नाउ लेट्स रीड एक्टिविटी. वी आर स्टार्टिंग. द फर्स्ट सेंटेंस इज इट इज, रीड विद मी, इट इज अ हॉट डे. इट इज अ हॉट डे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कौन सा न्यू वर्ड यूज किया है, हॉट. ओके, वेरी गुड. द नेक्स्ट वर्ड, सॉरी, द नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज रेनिंग टुडे. इट इज रेनिंग टुडे. सो आई हैव चूज द न्यू वर्ड रेन और मैंने आईएनजी लगा दिया है क्योंकि रेनिंग हो रही है, आज रेनिंग हो रही है. मैंने ऐसा सेंटेंस बनाया है यहाँ पे, इसलिए मैंने कौन सा वर्ड दिया है, रेन, आर ए आई एन, रेन. तो देखो आपने, हमने न्यू वर्ड्स की हेल्प से कैसे न्यू सेंटेंसेस रीड कर लिए, ऐसे ही सेंटेंसेस अब बना भी तो सकते हो. यू कैन डू इट. ओके, नाउ वी विल रीड दिस सेंटेंस. ओके, द नेक्स्ट इज क्लाउड्स, C-L-O-U-D-S, clouds bring rain. Clouds bring rain. तो आपने देखा मैंने यहाँ पे टू न्यू वर्ड्स का यूज किया है. फर्स्ट वर्ड इज क्लाउड्स. ओके, एंड देन नेक्स्ट इज bring, B-R-I-N-G, bring. ओके, तो देखो आपने कैसे न्यू सेंटेंस बन गया, क्लाउड्स क्लाउड्स रेन लेके आते हैं. तो आप कैसे लिखोगे,
Clouds bring, yes, clouds bring rain. Full stop. Okay, so now dear students, today in this video we had completed our new words and then let's read activity and reading is fun. Okay, so now you have to practice at home. Reading practice aapko karni chahiye na? Okay, so now I hope you enjoyed this video. We will continue with this unit on the next video. Thank you. Thank you for joining us.